हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बात हो रही है इक्वेशन सॉल्व करने की। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू क्या है ये हमें पता लगानी है। और यहाँ जो वेरिएबल है वो है एक्स और वाई। इट मीन्स हमें इन इक्वेशंस में से एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हैं वो हमें पता लगानी है। और जो मेथड का नाम है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। तो यहाँ से किसे हटाना है वो है या तो एक्स वाले टर्म्स को या वाई वाले टर्म्स को। सपोज हमने वाई वाले टर्म्स को यहाँ से हटा दिया तो एक्स वाले टर्म्स ही यहाँ बचेंगे और उसमें से एक्स की हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और वो जो वैल्यू पता चली है वो किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू यानी दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो दो इक्वेशंस आपको दी हैं तो एक को तो हमने मान लिया फर्स्ट और एक को सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है हमें 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, x का यहाँ कोफिशियंट क्या है 3 और x का यहाँ कोफिशियंट है 2। तो क्या करना है हमें, सिर्फ यहाँ पर जो एक्स एक्स के कोफिशियंट्स हैं उन्हें सिमिलर करना है, एक समान करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि यहाँ 2 है तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 3 है तो इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इसका मतलब है कि जो इसके पास कोफिशियंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और जो इसके पास कोफिशियंट है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन में यहाँ तक। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, तो जो इक्वेशन 1 है उसे किससे, बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इक्वेशन 2 बाय, इक्वेशन जो 2 है उसको किससे, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब ऐसा करने पर हुआ क्या, जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, दो इक्वेशन नई, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 × 11, 2 × 11 = 22। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी थर्ड इक्वेशन। और इसी तरह से इसे करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेम हो गए, अभी हमारे पास सेम तो आ गए लेकिन ये दोनों किस में है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और जब तक एक प्लस एक माइनस नहीं होगा तब तक ये कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें कैंसिल करने के लिए हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थर्ड में से फोर्थ को माइनस करने पर नीचे का साइन बदल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन सारे बदल जाएंगे। तो ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस और यहाँ कुछ नहीं, प्लस यानी ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अगर एक प्लस एक माइनस पहले से ही होता तो हम यहाँ ऐड करते क्योंकि हमें प्लस और माइनस पहले ही मिल रहा, प्लस माइनस माइनस वहाँ कैंसिल हो जाता आसानी से, पर यहाँ हमें दोनों प्लस में है तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इससे ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल। ठीक है, ये है प्लस और ये अब इस साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस, 9 − 4 = 5y और वो भी माइनस का क्योंकि 9 ग्रेटर है हैविंग माइनस साइन इज इक्वल टू, अब इसे करें तो यहाँ कुछ नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, 22 − 12 दैट इज व्हाट, 10 और वो भी किसका, प्लस का क्योंकि यहाँ प्लस है और ये ग्रेटर है। ठीक है, अब आप क्या करें, ये y को यहीं रखें और 5 को नीचे कर दें तो ये हो जाएगा 10/5 माइनस का 5। ठीक है, अब इसे कैंसिल करें तो 5 1 = 5 2 = और ये माइनस का, दैट मीन्स -2। तो y की जो वैल्यू आई है y = -2, एक वैल्यू तो आपके पास आ गई।
ठीक है। अब इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके इसे रख देते हैं फर्स्ट में सपोज, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 11, और इसमें y की वैल्यू रखनी, तो इस y की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू, और y की वैल्यू क्या आई है, माइनस टू, माइनस टू इज इक्वल टू, और यहाँ है 11, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें आगे, तो क्या हो जाता है 3x प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 11, ठीक है। और आगे करें तो अब देखिए x वाले टर्म को यहीं रखो 3x, और इसको भेज दो उसके साथी के पास बिना वेरिएबल वाले के पास, तो ये हो जाएगा 11, और ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का, उधर जाके प्लस का 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3x इज इक्वल टू 11 प्लस 4 दैट इज 15, ठीक है। ओके इसके आगे सॉल्व करें तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 15 है, x को यहीं रख दो x, और 3 को नीचे, तो 15 अपॉन 3, 3 ये 5 टाइम, तो x की जो वैल्यू आई वो ये 5, तो ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू आई माइनस टू और x की वैल्यू आई 5, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपका कोई कमेंट है तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।